वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्राचीन भारत के प्रागैतिहासिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से विंध्य क्षेत्र में स्थित नपाषाण युगीन स्थल कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मेहगरा। दूसरा प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभिक हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नवपाषाण काल में। तीसरा प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? तो इस प्रश्न का उत्तर है जौ। चौथा प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है नर्मदा घाटी। पांचवा क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था? तो लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था थॉमसन ने। छठा क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसके प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लोहरा देव से। सातवां क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। अभी इसी की तरह क्वेश्चन जो था वो पीछे था, इसमें जो आंसर था लोहरा देव था और इसमें आंसर है मेहरगढ़, क्योंकि इन दोनों जगह पर जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और यदि ऐसा प्रश्न आए तो उसमें अगर दोनों ऑप्शन दिए हों तो हम जो है लोहरा देव को टिक करेंगे, और अगर लोहरा देव नहीं दिया है तो हम मेहरगढ़ को टिक करेंगे, और इस प्रश्न में लोहरा देव नहीं दिया इसलिए हमने मेहरगढ़ को टिक किया है। तो नवा क्वेश्चन है, निम्न में से किसी एक स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है मेहरगढ़। दसवां क्वेश्चन है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है HD सांकलिया ने। ग्यारहवां क्वेश्चन है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है। बारहवां क्वेश्चन है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई? तो बृहत पाषाण स्मारकों की जो पहचान की गई थी वो मृतकों को दफनाने के रूप में की गई थी। अगला क्वेश्चन है तेरहवां, राग कटीला निम्न में से किस नपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो वो संगन कल्लू से संबंधित है। चौदहवां क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। पंद्रहवां क्वेश्चन है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है भीमबेटका। सोलहवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है भीमबेटका। सत्रहवां क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है D मध्यपाषाण काल में। अठारहवां क्वेश्चन है, मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन C आदमगढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन D सराय नाहर राय से। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बुर्ज होम। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बुर्ज होम। 22वां क्वेश्चन है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। 23वां क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में किसका संलग्न कार्यालय है? तो यह है संस्कृति का। 24वां क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका की गुफा रायसेन ऑप्शन D में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हड्डी निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में के संदर्भ में प्राप्त हुए थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर है
प्राचीन मानव प्रजाति है तो प्राचीन मानव प्रजाति है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। 27वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम प्रशासनिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक, तो वो थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक। एक ही कब्र में तीन मानव कंकाल मिले हैं, तो वो मिले हैं दमदमा में। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, तो वो मिलते हैं बागौर से। 30वां क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 31वां क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो ये सर्वाधिक मानव कंकाल जो है लेखैया से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त होते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है अमरी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।